भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और वैसे भी पूरे प्रदेश में उन्होंने एक अभियान चलाया और वो पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कहा जो 10 साल का शासन है वो उसमें जवाब देंगे, उन्होंने क्या क्या काम किया, विकास के क्या काम किए। तो उसी के लिए आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ कि कुछ मोटे मोटे काम, क्योंकि अगर सारी बात कही जाएगी तो मेरे ख्याल के शायद वो ना छप सकती है और ना ही आप दिखा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ मोटे मोटे काम मैं आपके सामने अभी गिनाने लग रहा हूँ कि क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। सबसे पहले सारा का सारा काम होगा तो वो सारे के सारे काम हमारे टाइम में है। अभी मेरे किसी पत्रकार साथी ने देवेंद्र हुड्डा जी से ये बात पूछी थी कि कंवरपाल ने बार बार ये बात कही कि आप 5 काम ऐसे बताओ जो जिले के लिए किए, लेकिन वो कोई बता नहीं सके। वो केवल एक काम बता रहे, थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट यमुनानगर जिले के लिए नहीं है, थर्मल प्लांट पूरे हरियाणा के लिए है। जो भी इसमें बिजली बनेगी तो वो सारी की सारी ग्रिड में जाके और ग्रिड में से ही फिर हमारे पास वो वापस आएगी, जो हमारा शेयर होगा वही वापस आएगा। तो मैंने कहा था कि यमुनानगर के कोई 5 काम बताए। मैंने अभी आपको जो काम बताए तो मेरा ख्याल के 1, 2, 3, 4 लगभग 25 से ज्यादा है। मैंने 25 की बात की थी कि वो 5 कहें हम 25 बताओगे। मैंने आज आपको 25 की सूची दे दी तो अगर दूसरी बार हुआ हुआ तो आप उनसे 5 की सूची ले लियो कि कौन से 5 काम उन्होंने किए, वो सूची दे दे 5 की। अगर उन्होंने 5 की दे दी तो अगली बार में 50 की सूची आपने फिर दे दूंगा, क्योंकि इतने काम है कि मैं समझता हूँ कि आपको भी दिखाने के लिए मुश्किल है। एक उन्होंने आरोप लगाया अवैध माइनिंग का, तो मैं पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने माइनिंग पे रोक क्यों लगाई, बंद क्यों किया माइनिंग। जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार ने माइनिंग के ऊपर रोक लगाई थी, वो उसका कारण बताया कि क्यों रोक लगाई थी। सभी नियमों को एक तरफ रख दिया, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जबरदस्ती अपने दबाव में देके और डीसी से कह के वो सारे के सारे पे सील लगवा दी। आप शायद कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हालत रही होगी। एक जिस आदमी का स्टोन कैसर है उसके ऊपर सील लगा दी, उसका जो फिक्स चार्जेज है वो 50,000 रुपये मिलना है और उसका स्टोन कैसर बंद है लेकिन उसे 50,000 रुपये मिलना देना, उसने वहां एक रखवाली वास्ते भी रखना और काम भी रखने, यानी कि 1 महीने में 1,00,000 रुपया उसने खर्च करना पड़ रहा, लेकिन क्रेशर वो चला नहीं सकता। और क्यों नहीं चला सकता, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि वो क्रेशर चलावे। क्यों रोक दिया, लोगों का कहना यह है कि इनके जो आदमी थे उन्होंने राजस्थान के ठेके ले लिए तो इसलिए यहाँ की माइनिंग बंद कर दी। क्यों कर दी यहाँ की माइनिंग, आप पता कर लो ये कि दिल्ली में सबसे पहले जो माल बिकता है वो हमारे यहाँ का बिकता है, क्योंकि हमारे यहाँ का रेत जो है उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है और हमारे यहाँ जो बजरी की क्वालिटी है वो हमारे यहाँ सबसे अच्छी, हमारा पत्थर सख्त है वो तोड़ने के बाद उसकी क्वालिटी बढ़िया, इसलिए उनको लाभ पहुँचाने के लिए हमारे यहाँ का बिजनेस चौपट कर दिया। शायद आप कल्पना नहीं कर सकते कि माइनिंग बंद होने के क्या परिणाम होते हैं। मैं आपको छुआ हुई जहाँ राज है, आज कोई 90 हलकों में एक हलका भी ये बात नहीं कह सकता कि हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। उन्हें पता कि अगर मेरी जरूरत है और मैं सरकार से कहूँगा तो सरकार उस काम को करेगी। तो इस तरीके से सरकार ने इन 10 साल में जो काम किए, मैं छोटी सी एक जैसा उन्होंने हिसाब मांगा तो मैं समझता था कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके सामने आ गया, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से